यस बेटे, वार्तक पैरा लिखो अंडिठा, जिन्हों तुसी ध्यान नाल समझना है। वन वर्ड क्वेश्चन से आंसर टिक करने हैं, एमसीक्यू टाइप। मेहनत तो जी चुराने दे फल दा सब तो वधिया उदाहरण है साडे देश दे पढ़े लिखे वर्ग दा बेरोजगार होना। बेरोजगार हुण कोई भी क्वेश्चन समासी शब्द भी पूछा जा सकता है, कोई भी अगेतर किहड़ा लग्या बेरोजगार ते भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अणडिठे पैरे दे नाल रिलेटेड क्वेश्चंस, पैरे नाल रिलेटेड क्वेश्चंस भी, ग्रामर नाल रिलेटेड क्वेश्चंस भी। नेक्स्ट, साडा पढ़िया लिखिया नौजवान वर्ग साडा पढ़िया लिखिया नौजवान वर्ग शरीरक काम करन तों कन्नी कतरौंदा है। हुण इहदे विचों मुहावरा भी पूछा जा सकता है कि मुहावरा किहड़ा है। कन्नी कतरौना एक मुहावरा है, इहदा मीनिंग की है? जी चुराना वर्ड भी आया पहली लाइन के, काम ना करना, निकम्मे होना। नौजवान वर्ग काम करन तों कन्नी कतरौंदा है, वो ये नहीं सोचता शरीरक मेहनत करना कितना सुखदाई है। अपा प्रीवियस क्लासा च पढ़ते रहे हैं कि शरीरक हिलजुल विच ही शरीर का आरोग ते सुंदर सुडोल होना है। वो ये नहीं समझदा, ये नहीं सोचता कि शरीरक मेहनत करना कितना सुखदाई है। हाँ जी प्रतीक्षा, कोई डाउट? प्रतीक्षा मैम, बेरोजगार तो बाद में समझ आया। यस, मैं बोल रही हूँ बेटे, बेरोजगार होना साडा पढ़िया लिखिया नौजवान वर्ग शरीरक काम करन तो कन्नी कतरौंदा है, वो ये नहीं सोचता शरीरक मेहनत करना किन्ना सुखदाई हुंदा है। पसीने नाल सिंजे रुख नूं ध्यान नाल पैरा सुनो बेटे, पसीने नाल सिंजे रुख नूं, क्योंकि आंसर शेयर कर दो विच रह गया। पसीने नाल सिंजे रुख नूं लिखना पैना बेटे पैरा, पसीने नाल सिंजे रुख नूं लगा फल क्यों जा होएगा बेटे, दस सकदा कोई अजे अपना लाइन? वेरी गुड, एक्सेलेंट, किन्ना मिठा हुंदा है पसीने नाल सिंजे होए रुख नूं लगा फल, किन्ना मिठा हुंदा है। दिन अस्त, अगे देखो लाइन, दिन अस्त ते मजदूर मस्त। वार देखो, एक कहावत बनी है, दिन अस्त ते मजदूर जा किसान मस्त। दिन अस्त ते मजदूर मस्त दे भेत जानन वाले राज। पैरा कोई इस तरह का नहीं आ जाना इजी के बड़ी छेती नाल तुसी आंसर दे पाओगे। पैरे नू बड़ा फोकस करना है, ध्यान नाल सुनना है, फिर ओदे मीनिंग समझना, फिर क्वेश्चन दे आंसर देने हैं। दिन अस्त मजदूर मस्त दे भेत जानन वाले महात्मा ईसा मसीह ने, हजरत ईसा मसीह, महात्मा ईसा मसीह ने अपने पैरोकारां नूं, पैरोकार दस सकदे हो कौन हुंदे ने? पैरोकार किहनां नूं कहिंदे आ? अपने पैरोकारां नूं इह सलाह दित्ती के ओ केवल खून पसीने की कमाई ही खाणगे। जेडे साडे हजरत ईसा मसीह होए आ उन्हां दे तुसी विचार पढ़ो ना, वो साडी जिंदगी नूं एक नवीं दिशा दिंदे, नैतिक कदरां कीमतां नाल रिलेटेड है। जिवें उन्हां ने की कह दिता, अपने पैरोकारां नूं पैरोकार नहीं जिहड़े उन्हां नूं मनदे आ। पैरोकार कौन हुंदे आ? जिहड़े किसे गुरु नूं मनदे आ, उहदे चेले, वह पैरोकार जिहड़े उन्हां दे दसे हुए गुरु दे दसे रस्ते ते
ਚਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਬੇਟੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਯੈਸ ਉਹ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਖਾਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣਗੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਪਸੀਨਾ ਟਪਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸੀਨਾ ਟਪਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਪਕਣ ਵੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸੀਨਾ ਟਪਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਸੱਲੀ ਵੈਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤਸੱਲੀ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਸੀਨਾ ਟਪਕਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਨੈਕਸਟ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਤਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖੋ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਰੀਰਕ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਨਾਵਟੀ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਨਾਵਟੀ ਸਵਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੌਲਤ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਸ਼ ਇਸ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤਿਉਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਸੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਸੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁਰਾ ਪੈਂਦਾ ਤਿਉਂ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਰਾਈਟਰ ਹੋ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਭੁੱਲ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
इन्ना ही नहीं, अगे लिखो इन्ना ही नहीं, बीमारियां दिया कई किस्म सामने आंदियां हन। जिस समाज विच, जिस समाज विच शरीरक मेहनत दे प्रति, जिस समाज विच शरीरक मेहनत दे प्रति हीन भावना नहीं हुंदी, हीन भावना मी शरीरक मेहनत तो कोई जेड़ा समाज नहीं कतरांदा के दलेरी दे नाल शरीरक मेहनत करदा है, के ये नहीं सोचदा कि समाज की कहेगा, कई इंसानां दे अंदर की आ जांदा हीन भावना कि काम कोई भी छोटा वड्डा नहीं हुंदा, कि जे मैं मजदूरी करांगा, जे मैं मेहनत करांगा, कि खेतों विच हड पनवी किरत करांगा, लोग की कहणगे कि देखो मिट्टी नाल मिट्टी किवें होया पिया, उहनूं कहिंदे हीन भावना। जिस समाज विच शरीरक मेहनत दे प्रति हीन भावना नहीं आती, ओ समाज उम्मीद नालों वधेरे, एक्सपेक्टेशन नालों उपर सेहतमंद ते सुखी दिखाई दिंदा है, सुखी दिखाई दिंदा है। विकसित देशां दे जिस समाज विच शरीरक मेहनत दे प्रति हीन भावना नहीं आंदी, ओ समाज उम्मीद नालों वधेरे, कहिंदा जिन्नी आपां एक्सपेक्ट करदे ना उस तों वी वध सेहतमंद अते की दिखाई दिंदा बेटे, बोलो, सुखी दिखाई दिंदा है। वेरी गुड, एक बारी पैरा लिख लो ना, फिर मैं एक बारी फिर रीड करांगी जे किते कोई वर्ड मिस हो गया तां। विकसित देशां दे निवासी, विकसित मीन्स जिहड़े कंट्री बड़े प्रोग्रेस ते ने, विकसित देशां दे निवासी, निवासी मीन्स उत्थों दे रहण वाले, मेहनत नूं जीवन दा जरूरी अंग समझदे हन। तुहानूं पता बाहरले मुल्कां वल झात मारीए समय दी किन्नी कदर है, डट के काम करदे ने 8 घंटे, मीह होवे, हनेरी होवे, झक्खड़ होवे, आपां समय दी कदर लेख विच पढ़िया होया। विकसित देशां दे निवासी, जिहड़े देश विकसित होए ने उहनां दे पिछे राज की है, मेहनत नूं जीवन दा जरूरी अंग समझदे ने, उहनां दा राज की है, मेहनत, मेहनत ते इक समय दी कदर। आपां इह टॉपिक पढ़िया होया समय दी कदर, कि डट के काम करदे ने, फिर उन्नी पूरी वीकेंड ते ऐश वी करदे ने, पर साडे भारतीय लोकां दा की है, ना उठण दा समां, ना खाण दा, ना पीण दा, जिथे गप्पा मारन बैठे गप्पा मारन लग गए, ठीक है, समा बर्बाद करना रुझेवे की निशानी समझा आया साडे देशवासियां ने, उत्थे मेहनत नूं कुछ समझदे ही नहीं है, फिर पैसा कित्थों कमाना, फिर जिंदगी च जिंदगी आरामदायक बन ही नहीं सकती। आपां लाइन लिखी है, विकसित देश दे निवासी मेहनत नूं जीवन दा जरूरी अंग समझदे हन। अजिहे उदाहरण भारत विच भी मिल सकते हैं, भारत विच भी मिल सकते हैं, के शत्रु दरवाजा तोड़ रहे हैं अते नवाब साहेब उड़ीक रहे हैं। ये भी एक कहावत है, शत्रु दरवाजा तोड़ रहे हैं, नवाब साहेब उड़ीक रहे हैं, जुत्ते पहनाउण वाली नुकरानी दी। अजे उदाहरण भारत विच भी मिल सकते हैं, कि शत्रु दरवाजा तोड़ रहे हैं, नवाब साहब उड़ीक रहे हैं, किनों, जुत्ता पहनाउण वाली नुकरानी दी उड़ीक कर रहे ने, ठीक है, शत्रु दरवाजा तोड़ रहे हैं, नवाब साहब उड़ीक रहे हैं, किनों, जुत्ता पहनाउण वाली नौकरानी नू। वन पैरा सुनो ध्यान नाल, एक बारी फिर बोल देनी है, फिर क्वेश्चन से आंसर करते हाँ। मेहनत तो जी चुराउण दे फल दा सब तो वधिया उदाहरण है साडे देश दे पढ़े लिखे वर्ग दा बेरोजगार होना। ध्यान नाल सुन लियो, जिस बच्चे दा कोई भी वर्ड मिस किया, साडा पढ़िया लिखा नौजवान वर्ग शरीरक काम करन तो कन्नी कतराउंदा है, वो ये नहीं सोचता शरीरक मेहनत करना कितना सुखदाई है,
पसीने नाल सिंजे रुख दा फल किन्ना मिठा हुंदा है। दिन अस्त मजदूर मस्त जानन वाले महात्मा ईसा मसीह ने अपने पैरोकारां नूं सलाह दित्ती कि ओह केवल खून पसीने दी कमाई खाणगे। पसीना टपकन तो बाद मन नूं संतोष मिलदा है, तन नूं सुख मिलदा है, भुख भी लगदी है, चैन दी नींद भी आउंदी है। पर साडे समाज विच शरीरक मेहनत ना करना आम तौर ते समाजिक उच्च पद्धर दी पहचान मन्या गया है। एहो कारण है कि ज्यों ज्यों आर्थिक स्थिति विच सुधार आंदा जांदा त्यों त्यों बीमार ते बीमारियां दी संख्या विच वाधा हुंदा जांदा है। इन्ना ही नहीं, बीमारियां भी कई किस्म दियां सामने आउंदियां हन। जिस समाज विच शरीरक मेहनत दे प्रति बोलो दे प्रति हीन भावना नहीं हुंदी, ओह समाज उम्मीद तो बाद सेहतमंद ते सुखी दिखाई दिंदा है। मीन्स हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं छोटा काम कर रहा, लोग की कहेंगे, लोग मैनू देख रहे ने कि मैं मजदूरी कर रहा, मैं बूट पॉलिश कर रहा। आपां एक कहानी पढ़ी सी तुसी प्रीवियस क्लासां च, एक किशन बूट पॉलिश करन वाला अपनी जमात दी अपनी पढ़ाई दी फीस पूरी करन दे लई बूट पॉलिश करदा। कोई नहीं समझदा कि काम नीमा है, क्योंकि काम कोई भी छोटा नहीं हुंदा। जिस इंसान जिस समाज विच हीन भावना नहीं आती, उस समाज उम्मीद नालों वधेरे सेहतमंद ते सुखी दिखदा है, सुखी दिखाई दिंदा। विकसित देशां दे निवासी मेहनत नूं ही अपना अपने जीवन दा जरूरी अंग समझदे हन। अजे उदाहरण भारत विच भी मिल सकदे हन। शत्रु दरवाजा तोड़ रहे ने, नवाब जी जुत्ती पहनाउण वाली नौकराणी दी की कर रहे ने? क्वेश्चन लिखो, मेहनत तो जी चुराउण दे नतीजे दा की परिणाम दिखाई दे रहा है? मेहनत तो जी चुराउण वालियां दा की नतीजा दिखाई देंदा है? फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो, नाल ऑप्शंस। मैं क्वेश्चन भी लिखनी है बेटे, ऑप्शंस भी ध्यान नाल देखियो। मेहनत तो फर्स्ट क्वेश्चन, मेहनत तो कन्नी कतराउण वाले जां जी चुराउण वाले? मेहनत तो जी चुराउण दे नतीजे, नतीजे दा की परिणाम दिखाई देंदा है? परिणाम भी अपने विच नतीजा ही है। की परिणाम मिलदा है, की मिलदा है? फर्स्ट ऑप्शन इज अज्ञानता, सेकंड ऑप्शन सुखी समाज, थर्ड ऑप्शन बेरोजगारी, सस्ता ऑप्शन देश का विकास। हाँ जी, सोचो हम, रेज योर हैंड्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मेहनत तो जी चुराने वाले है, मेहनत करने वाले नहीं है। यस, करेक्ट ऑप्शन इज जिया का आंसर, बिल्कुल सही, बेरोजगारी। जिया ने आंसर देता है बेरोजगारी, क्योंकि देश विकसित कितों होना जिथे मेहनत तो जी चुराउणगे। सुखी समाज किवें हो सकदा? देन अज्ञानता, पर मेहनत तो जी चुराउण वाले अज्ञानता भी नहीं हो सकता, पर बेरोजगारी फैलती है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज शरीरक शब्द विच किस पिछेत्र की वरतों की गई है? हुण देखो पिछेत्र आ गया, तुसी एट तक पिछेत्र कीते। शरीरक शब्द विच किस पिछेत्र की वरतों की, पिछेत्र पुछे अगेत्र नहीं, दी वरतों की गई है? यस,
अपने आप ही पहला माइंड च सोच लो, जे सोच सकते हो मूल शब्द नू अलग करके। एक देन क देन रिक ससा रख, हां जी जा सॉरी रिक ते रख ता सेम है शरीर, हां जी शरीर पिछेतर चूज करना है। सोचो हुन तुहानू टाइम लग गया, ऑनलाइन स्टूडेंट हां जी प्रतीक्षा प्रतीक्षा मैम कक्का बेटे कक्का तो ऑप्शन ही नहीं है, उड़ा ऐड़ा ईड़ी ते सस्ता। मैम नो ऐड़ा ऑप्शन इज करेक्ट, मैं आंसर बोल रही थी। शरीर मूल शब्द है तो 75 है, ठीक है शरीर मूल शब्द है तो 75 है। एक तो आया ही नहीं है, ज्यादा हुंदा ना शरीरक वो भी रिक बनता, एक तो वर्ड ही नहीं आया दे विच। तुसी जड़े बच्चे ने एक किया तो गलत हो गया, वो तो हुंदा समाज जमा एक समाजिक वो भी क आंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखो, इतने थोड़ी थोड़ी जी ब्रेक लगी है, सोच समझ के करना पैना पैरा। ये 10 मार्क्स से 2 पैरे आने पेपर च, 10 मार्क्स वार्तक पैरे नु दित्ते है, 5 नंबर अनडिठी काव टुकड़ी नु, रीडिंग स्किल थोड़ी 15 नंबर दी मैक्सिमम वेटेज रीडिंग स्किल नु है, 15 नंबर दी रीडिंग स्किल, 10 नंबर दी ग्रामर है, 15 नंबर दा लिटरेचर है, 40 नंबर है ते 10 नंबर है इंटरनल असैसमेंट दे, ठीक है 50 मार्क्स आ जेड़ा पीटी जेड़ा 2 है वो 50 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव 40 है, मैं 40 लिखे 50 तक 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, तोड़ा पोर्टफोलियो तोड़ी लिसनिंग स्पीकिंग सब्जेक्ट एनरिचमेंट मल्टीपल असेसमेंट 10+2+3+2। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, पसीना टपकन तो बाद की मिलता है, थर्ड क्वेश्चन पसीना टपकन तो बाद की मिलता है, मैं हूं ऑप्शन लिखनी है ध्यान नाल देखो, पसीना टपकन तो बाद की मिलता है, पूरा ऑप्शन मन नू सबर, एड़ा ऑप्शन तन नू सुख, ईड़ी ऑप्शन चैन दी नींद, ससा ऑप्शन उपरोक्त सारे ही। वेरी गुड, उपरोक्त सारे ही, क्योंकि आपां एक लाइन पढ़ी कि जिहदा पसीना टपकदा उहनूं बाद विच की मिलदा है, मन नूं संतोष, जे संतोष वर्ड आ सकदा है सबर, इत्थे संतोष भी हो सकदा, तन नूं सुख भी मिलदा, एक वर्ड होर भी आसी भुख भी लगदी है ते चैन दी नींद भी आउंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन, ये बेटे ये लिए ना प्रैक्टिस चाहिदी जां वोकैबुलरी चाहिदी है, जिवें ब्रिजेश ने बहुत सारे वर्ड्स दे मीनिंग दसे है, जां वोकैबुलरी चाहिदी है जां बेटे ये लिए प्रैक्टिस चाहिदी रीडिंग दी, रीडिंग स्किल है, ग्रामर दी भी टॉपिक आने चाहिदे है, जिवें समासी शब्द केड़ा चुनना है, फॉर एग्जाम्पल ज्यों ज्यों आ गया समासी शब्द केड़ा है, दोहराव वाला समान अर्थ विरोधी अर्थ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੋਗੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦੁਹਰਾਓ ਵਾਲਾ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜਿਉਂ ਤੇ ਜਿਉਂ ਸੇਮ ਵਰਡ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਦੁਹਰਾਓ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨਾ,
ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸੱਸਾ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਯੈਸ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਬੋਲੋ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਹੈ ਯੈਸ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਨੋ ਯੈਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੇਟੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਯੈਸ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪੈਰਾ ਦੇਖੋ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰੇ ਚ ਲਾਈਨ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਮੇਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਸੀ ਹੈ ਇਹ ਤੱਕ ਸਮਾਸੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਥ ਐੜਾ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਈੜੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਅਰਥ ਸੱਸਾ ਸਾਰਥਕ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸੱਸਾ ਸੋਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਦੁਹਰਾਓ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਓ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਓ ਐਕਸਟਰਾ ਵੈਸੇ 5 ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਣੇ ਹਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਕਟ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਤਰੂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੋੜਨ ਦਿਓ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਰੂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁੱਤਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੱਤਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੁੱਤਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ